हाँ भैया, अरे भैया सुनो, जे हैं कंटाप कनौजिया खबरें। अब कहो कंटाप का है तो जा समझ लो, लपड़ बहुत जोर से पड़ी है, इतो जोर से पड़ी है कि कतई आवाज नहीं हुई है, लेकिन झन्नाटा पूरा हुई है। जो सुनिए सो और जो नहीं सुनिए सो, और जिनके बारे में कह रहे हैं उनके तो झन्नाटा ऐसे हुई है जे पूरी पूरी सुन लिए, बाकी बात रात में सो ही नहीं पाए हैं। इसे ही लेगा जे कंटाप कनौजिया खबरें। अब भैया कन्नौज में तो ऐसा लगत कि रामराज आएगा वो। अब कहो कैसे, तो रामराज ऐसे कि हमारे कन्नौज में एक कुतवाल साहब हैं, और वे कुतवाल साहब इतने दरिया दिल हैं, ऐसे लगत गरीबन के मसीहा होए। लेकिन भैया गरीबन की सेवा में मेवा को ख्याल वे पूरो रखत। अब जो पूछे हो भैया कि कैसे मेवा को ख्याल रखत, का हिस्सा बाट में वे अपनो हिस्सा पहले ही धर लेत। अब जा पूछे हो कि भैया कैसे हिस्सा धर लेत, तो एक किस्सा हम तुम्हें बताए दे, बाकी बात तुम खुद ही समझ लो कि कैसे अपनी मेवा अपने पास धर ले कुतवाल साहब। हाँ तो किस्सा भैया जो है कि अपने कनौज में एक सेठ दीनानाथ है, अब नाम बदल दे रहे हैं, का दिक्कत है समझ आओ। सेठ दीनानाथ की खूब प्रॉपर्टी है, बढ़िया है अपने हिसाब किताब, तगड़ो तंदुरुस्त व्यापार। अब एक मामला फंस गया उनको कुतवाल साहब के साथ। कहानी जा भाई कि एक मैकूलाल है अपने छोटे मोटे गरीब आदमी, तो मैकूलाल की जमीन पे कुछ कब्जा अब्जा वालों मामला होएगो। अब रहे अपने खुतवाल साहब बहुत दरिया दिल, तो उनने मैकूलाल से कहे देखो ऐसा है तुम्हारी जमीन में जो कब्जा अब्जा जो कुछ है जो सब हम तुम्हारा हिसाब किताब कर दिए हैं, लेकिन हाँ जब सेवा की मेवा हो ख्याल तुम पूरे रखियो। अब मैकूलाल ठहरे गरीब, मान लो अगर 1 करोड़ या 50 लाख की जमीन है तो 5-10 लाख रुपया का हिसाब किताब बारो न्यारो कर दो तो का भाव, ठीक है। इधर कुतवाल साहब ने भैया सेठ दीनानाथ को बुलाओ और एकदम कोपचे में ले जाए, चुपचाप समझाओ कि देखो तुम्हारे पास तो जो अरबन खरबन की प्रॉपर्टी पड़ी छोड़ो ससुर, कहाँ तुम झंझट में पड़े। तो बात तो फिर जा भाई कि उन्हें कही कि भाई ठीक है हम छोड़ तो दिए, लेकिन जब हुआ समझ लो कि ऐसे थोड़ी छोड़ दिए। कुतवाल साहब ने थोड़ो और दबदाओ, अब सेठ दीनानाथ को करवे अपनो व्यापार धंधा, कह कह छोड़ो ठीक है हटाओ ससुर रान दो। भैया सेठ दीनानाथ चुपचाप मुसमुसाए चले आए। अब कुतवाल साहब ने बहु कब्जा मैकूलाल को दिलवाओ, सेवा करी और मेवा डारी अपनी जेब में। अब कहो भैया जा मैं गलत का कही, तो गलत तो कछु ना ही कही, ऐसे ही तो कह रहे कुतवाल साहब दरिया दिल, अब कन्नौज में आए रहो रामराज। अब भैया ऐसी खबरें बहुत हैं, यही तो कंटाप कन्नौजिया खबरें और जय पंचौरा हम कत, इसे ही कह ले हम कन्नौज में हैं कि हम पंचौरा करें, वो आपको बता पाएंगे भैया का पंचौरा हो रहा है। तो आप सुनते रहो हमारी पंचौरा खबरें, अब एक के बाद अब एक अगली खबर हमें आपको और बता दें। अब इंतजार करो मैं अगली खबर को, इसलिए कि आप सोच नहीं सकते कि अगली अगली खबर कितनी झन्नाटेदार है, और इतो तेज झन्नाटा पड़े कि पूरा जिला महकमा जो है वो एकदम अपने गाल सहरात रही है, जब गारंटी दी हमने तुम्हें। इंतजार करो तुम अगली बार खबर को हमारी, और जो कंटाप कनौजिया खबरें हर किसी के दिमाग में घूम जाइए कि ससुर ये खबरें आती कहाँ से। तो अब सुनते रहो हमारी कंटाप कनौजिया खबरें, भैया पंचौरा नौज की यही कहानी, दूध को दूध और पानी की पानी, तभी दो जो पंचौरा न्यूज़।